সংসদের দেওয়া পরিচয়পত্র মতুয়াদের নাগরিকত্ব হিসেবে পরিচয় দেবে। ঠাকুরনগরে ঠাকুরবাড়িতে এসে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র। সিএএ চালু না হওয়া পর্যন্ত সংসদের দেওয়া পরিচয়পত্র মতুয়াদের নাগরিকত্ব হিসাবে কাজ করবে, ঠাকুরনগরে এসে একথাই বললেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র। রবিবার উত্তর চব্বিশ পরগনার ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে আসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র। এদিন দুপুরে ঠাকুরবাড়িতে আসেন তিনি, হরিচাঁদ গুরুচাঁদ মন্দিরে পুজো দেন। এরপর জাহাজ প্রতিমন্ত্রী তথা বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের সাথে বৈঠক করেন। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে রাস উৎসব উপলক্ষে এদিন ঠাকুরনগরে এসেছিলেন তিনি। এদিন ঠাকুরবাড়ির নাট মন্দিরেও এক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন মন্ত্রী, মিলিত হন মতুয়া ভক্তদের সাথে, পাশাপাশি সিএএ নিয়ে মতুয়াদের বার্তা দেন। তিনি বলেন সিএএ আইন পাশ হওয়ার পর বিরোধীরা সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে, কিন্তু চিন্তা করার কোনো কারণ নেই, আমরা আদালতে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করে সিএএ লাগু করার আদেশ নিয়ে আসব, খুব শীঘ্রই তা চালু হবে। পাশাপাশি তিনি বলেন যতদিন নাগরিকত্ব না পাচ্ছে ততদিন শান্তনু ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে যে কার্ড দেওয়া হচ্ছে সেই কার্ড নিয়ে ভারতবর্ষে ঘুরতে পারবেন, আপনাদের কেউ বিরক্ত করবে না। देखिए सीए जो है हमारी सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सरकार जैसे ही बनी हमने 2016 में उसको पार्लियामेंट में रखा था, तो वो ज्वाइंट से जो सेलेक्ट कमेटी होती है संसदीय समिति उसमें गया, उसकी रिपोर्ट 7 जनवरी 2019 को आई, 8 जनवरी को लोकसभा में उसको पास किया गया, लेकिन राज्यसभा में उस समय हमारा बहुमत नहीं होने के कारण वो राज्यसभा से नहीं हुआ। तो जब 16वीं लोकसभा डिजॉल्व हुई तो डिजॉल्व हो गया, तो दोबारा जब हमारी सरकार 19 में बन गई तो गृह मंत्री जी ने 9 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट में रखा, उसको 10 तारीख को लोकसभा में पास हो गया और 11 दिसंबर को राज्यसभा से हमने पास करा लिया, 12 दिसंबर को अधिनियमित हो गया और 10 जनवरी 2020 को सीएए अपने देश में लागू हो गया। लागू होने के बाद ये होता है कि उसके नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं, उसके बाद वो जो लॉ होता है वो इम्प्लीमेंट होता है, वो कानून बनाने के लिए उसको दिया गया है। तो अभी जो लोकसभा की विधान बनाने की समिति है उसने 9 जनवरी 2024 और राज्यसभा की जो विधान बनाने की समिति है उसने 30 मार्च 2024 ऐसे उन्होंने वहाँ पर वो जो है तिथि दी है कि हम तब तक उसको बना लेंगे। कानून तो पार्लियामेंट से पास हो गया, अधिनियमित हो गया है और कानून लागू ही होना है, उसमें जो नियम कानून बनने हैं बनने के बाद उस पर काम करेंगे। लेकिन हमारे जो कुछ विरोधी दल हैं या विरोधी विचारधारा के लोग हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी उसको चैलेंज किया है कि यह संवैधानिक है, तो वो रिट संख्या 1470/2019 और उसके साथ 220 और याचिकाएं हैं वो सारी एक साथ सुनवाई के लिए लगी है कंप्यूटर में, वो डेट 6 दिसंबर 2023 को। देखिए ऑल इंडिया मतुआ महासंघ जो है उसके आप सभापति, आप उन लोगों से परिचित हैं, वो लोग हैं जाने वाले हैं। जो 2019 का हमने संशोधन अधिनियम है उसमें हमने इस बात को रखा है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग भी इस देश में आ गए हैं उनके पास भले वो जरूरी कागज़ नहीं है, कोई भी कागज़ नहीं है या वैध कागज़ जो था वो अब उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया, लेकिन उनको ही यहाँ पर जो हमारा जब कानून पास हो जाएगा हमने संशोधन कर दिया है, जो 1955 का हमारा नागरिकता अधिनियम था उसकी धारा 2(1) के खंड बी में हमने संशोधन करके इस धारा को समाप्त कर दिया है और उस परिभाषा को बदल दिया है। तो उस परिभाषा को बदलने के बाद ऐसे सारे लोग जैसे ही नियम कानून बन जाएगा तो उनको वो अधिकार होगा कि वो यहाँ पर नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे, केंद्र सरकार स्वयं या जिस अधिकारी को प्राधिकृत करेगी वो उसको नागरिकता या उसका प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे और वो मिलते ही उसी अधिनियम का जो संशोधित अधिनियम है उसकी धारा 5(1) के तहत वो व्यक्ति को नागरिकता उस दिन से मिल जाएगी जिस दिन से उसने इस देश में प्रवेश किया होगा। और दूसरा ऐसे काम के लिए जो उनको अवैध प्रवासी बनाते हैं ऐसा कोई भी मुकदमा कोई भी इस तरह का अगर विवाद है जो उनके विरुद्ध चल रहा है वो अपने आप समाप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नोमैंसलैंड ठाकुरनगर। নিউপিসি জুয়েলার্স সম্পর্ক গড়ে দেয়
বনগাতে আমাদের তিনটি শোরুম প্রতিদিনই খোলা। নিউ পিসি জুয়েলার্স বনগা বাটার মোড়, নিউ পিসি জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে, নিউ পিসি জুয়েলার্স বিউটি মতিগঞ্জ হাটখোলা।